पेशावर मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस तरह श्रद्धालुओं पर हमला तो भारत में ही नहीं होता। 23 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका हुआ था। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी, 221 लोग घायल हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत या इसराइल में नमाज के दौरान नमाजियों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में नमाजियों के बीच बैठे एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री आसिफ ने कहा, हमें आतंकवाद का बीज बोया है, इसके खिलाफ अब मिलकर लड़ना होगा। वक्त अब आ गया है कि पाकिस्तान सुधर जाए। 31 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बागची ने मंगलवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, भारत पेशावर में हुए फिदायीन हमले की कड़ी निंदा करता है। टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन पर तमाम एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद किए जा चुके हैं। हालात ये है कि दोनों महीनों में दोनों देशों के बीच फायरिंग में करीब 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार हमलों के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताती है। राणा सनाउल्लाह की धमकी का जवाब तालिबान के सीनियर लीडर और उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके दिया था। पहले इस फोटो के बारे में जान लीजिए।